जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। ईडी ने 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद श्री सोरेन को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी है। 13 जून को श्री सोरेन के वकील और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 31 जनवरी 2024 को 7 घंटे से ज़्यादा पूछताछ के बाद श्री सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद श्री सोरेन राजभवन गए और राज्य के शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चुना गया और 5 फरवरी को नई चंपई सोरेन सरकार ने 47 विधायकों के समर्थन में विश्वास मत हासिल कर लिया। यह मामला रांची के बड़गई इलाके में जमीन के जाली दस्तावेज तैयार करने से जुड़ा है। ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा सरकारी अधिकारियों समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर भूमि घोटाले के 5 मामलों में जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चलता था कि झारखंड में भू माफियाओं का एक गिरोह सक्रिय है जो रांची और कोलकाता में भूमि रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने में शामिल है। याद रहे, यह अभी आरोप मात्र है, फैसले के इंतजार के बाद ही किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन ऐसे ही आरोपों को हेडलाइन बना बना कर चरित्र हनन करने का काम मोदी की ईडी हमेशा से विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ करती आई है। आज के समय इसीलिए ईडी जैसी संस्थाओं के आरोपों को भी राजनीतिक नज़रिए से देखा और समझा जाता है। ईडी ने दावा किया था कि जमीन के स्वामित्व के मूल अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी या उन्हें छिपाया गया था ताकि जमीन की संपत्तियों का अवैध अधिग्रहण या कब्जा या उपयोग किया जा सके। इसके बाद जाली जमीन के अभिलेखों के आधार पर ऐसे जमीन के टुकड़े दूसरे लोगों को बेचे गए। ईडी ने इससे पहले ऐसे मामलों में 55 तलाशी और 9 सर्वेक्षण किए थे और भूमि राजस्व विभाग की जाली मोहरें, जाली भूमि दस्तावेज और उनके बीच अपराध की आय के वितरण के रिकॉर्ड, जालसाजी करते हुए तस्वीरें, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के सबूत जैसे सबूत जब्त किए थे। तलाशी के दौरान 1.27 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई तथा बैंक खातों में जमा 3.56 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर दिया गया था। भूमि घोटाले के मामलों में ईडी ने 266 करोड़ रुपए व्यावसायिक मूल्य इतने की दागी भूमि को अस्थायी रूप से जब्त किया था। भूमि घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन, छवि रंजन, भानु प्रताप और अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ईडी द्वारा 3 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई। इससे पहले जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान श्री सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि मामला सिविल है, जमीन को भूहारी यानी कि छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट के तहत गैर बिक्री योग्य बताया गया है और इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, यानी भूहारी जो ज़मीन है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है, तो इसके किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र को दावा करके आरोप लगाना कहां तक सही है, मतलब ये उनका कहना है। ईडी ने अपने दलील में कहा था कि श्री सोरेन ने ज़मीन पर कब्जा करने के लिए अधिकारियों की मदद ली थी। ईडी ने यह भी कहा कि श्री सोरेन के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और भानु प्रताप ने भी माना है कि उन्होंने अधिकारियों की मदद ली थी। बैंक्वेट हॉल बनाने की भी योजना थी और एक आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने श्री सोरेन को उनके मोबाइल फ़ोन पर नक्शा भी भेजा था। न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय ने 1 महीने से अधिक समय तक मामले की सुनवाई के बाद जमानत आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत नहीं है, प्रार्थी को जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। हाईकोर्ट ने केस को लेकर 3 मुख्य बातें कही है।
जिससे हेमंत सोरेन का पक्ष काफ़ी मजबूत होता दिख रहा है। चलिए हम इसको समझते हैं। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा, पहला, झारखंड हाईकोर्ट ने बेल हियरिंग के दौरान कहा कि पूरे केस से पता चलता है कि प्रार्थी विशेष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है। किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत नहीं है। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने 2010 में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था और उस पर उसका कब्जा था, तो उस समय वह सत्ता में नहीं था, तो भूमि से विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। मतलब ईडी जबरन आरोप लगा रही थी कि हेमंत सोरेन के सत्ता में होने के कारण रैयत अपनी शिकायत नहीं कर पाए, जबकि उस समय हेमंत सोरेन सत्ता में नहीं थे, फिर रैयतों को शिकायत करने से कौन रोका। तीसरी बड़ी बात, हाईकोर्ट ने आगे कहा, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का यह दावा कि ईडी के द्वारा समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका है, इस आरोप की पृष्ठभूमि में विचार करने पर एक अस्पष्ट कथन प्रतीत होता है कि भूमि पहले से ही अधिग्रहित थी और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। अंत में झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रार्थी को जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। हाईकोर्ट के स्टेटमेंट से, आदेश से ये क्लियर हो रहा है कि इस जमीन से मनी लॉन्ड्रिंग के मार्फत पैसा कमाया गया है, ऐसा कोई भी सबूत प्रवर्तन निदेशालय नहीं दे पाई। गोदी मीडिया के हेडिंग पर भी अभी बात नहीं करेंगे फिर कभी, चूँकि फैसला आने में समय है। बेल ऑर्डर में हाईकोर्ट ने जो चीज़ें कही वो साबित करती है कि ईडी के पास उन तर्कों का जवाब नहीं है या उनके तर्क कमज़ोर हैं। हम लोग जानते हैं कि यह ज़मीन का मामला एक सिविल मामला है, इसे क्रिमिनल ऑफेंस बना के एक आदिवासी को जेल में डालने का काम किया गया, यह खुद एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। मौका मिले तो इन लोगों के ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का भेजा इस्तेमाल से कानून पर शक या कानून पर विश्वास कम ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या और डेवलपमेंट होता है। इस तरह का केस को भी बहुत गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।